हेलो दोस्तों, महाकाल रिपेयरिंग सेंटर में आपका स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए आ गई है, पार्ट वन। इस वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध क्या होता है, इसके बारे में आपको पूरा फुल डिटेल से आपको सब कुछ समझाया जाएगा इस वीडियो में। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। ठीक है, हम चलते हैं अपने वीडियो को आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करके मत देखना आप लोग, और आपके लिए भी एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है। और आप नोटबुक लेके साथ में बैठिए, जिससे कि आप नोटबुक में नोट करते रहिए आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलो इसके बारे में आपको एडिटेड सारी जानकारी देते हैं आप लोग को, ध्यानपूर्वक से देखना आप लोग। रेजिस्टेंस को कैसे मापा जाता है ये आपको अभी बताएंगे हम। जब भी आप रेजिस्टेंस को देखते होंगे तो ये सवाल जरूर आता होगा कि रेजिस्टेंस को कैसे मापा जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस के ऊपर कई रंगों की पट्टी होती है, और जब तक आप रेजिस्टेंस को मापेंगे नहीं तब तक उसकी वैल्यू आप पता नहीं कर सकते और उसका सही तरीके से आप उपयोग नहीं कर सकते। परिभाषा आपको बता दें, रेजिस्टेंस किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो कि विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी कि बाधा उत्पन्न करने वाला, आपने एक रोड देखा है, रोड पे आपने ब्रेकर देखे होंगे, रोड पर एक फोर व्हीलर जा रही है, उसमें ब्रेकर आ गया बीच में, तो उसको बाधा उत्पन्न कर रही है ब्रेकर, इसलिए वो धी स्लो हो जाएगा, स्पीड उसकी स्लो हो जाएगी। यही काम होता है रेजिस्टेंस का, करंट और वोल्टेज के बीच में वो आ जाता है रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज करंट की वैल्यू को कम कर देता है, धारा को कम कर देता है। रेजिस्टेंस को मापने की इकाई को ओम कहते हैं, ये लोग आप ध्यान से रखना, रेजिस्टेंस को मापने की इकाई को ओम कहते हैं। वह प्रतिरोध जिसमें से एक एम्पीयर का स्थिर मान का करंट बहने पर एक जूल प्रति सेकेंड की दर से ताप उत्पन्न होता है, तो इसको एक ओम का रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको आर से प्रदर्शित करते हैं, रेजिस्टेंस को मापने की इकाई ओम होती है, ध्यान में रखना आप लोग। इसमें दो वर्ड होते हैं, रेजिस्टेंस और रजिस्टर। इसमें बस इतना अंतर है कि रेजिस्टेंस एक राशि है और रजिस्टर और रेजिस्टेंस पैदा करने वाली डिवाइस होती है, परंतु इन दोनों का मतलब रेजिस्टेंस ही होता है। प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला आपके लिए बहुत आसान है, देखिए R इक्वल बी अपॉन वन। R रेजिस्टेंस है, B वोल्टेज है, I करंट है। ये देखिए आप लोग, फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट मल्टीप्लाई टू लेंस। जी सर, ये देखिए आप लोग, फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट, फिर थर्ड पे आपको मल्टीप्लाई करना है, प्लस फोर नंबर पर टूल रेंस। रेजिस्टेंस को ऐसे इसकी कोडिंग निकाली जाती है, कलर कोडिंग। रेजिस्टेंस को कैसे मापा जाता है ये आप ध्यानपूर्वक देखिए, और आपको मैंने बताया है नोट कोड जरूरी रखना है आपको, जो कि नोट करते रहना। रेजिस्टेंस को कैसे मापा जाता है, इसके लिए हमारे पास तीन तरीके हैं। इसमें से पहला है ओम का नियम और दूसरा है रेजिस्टेंस का कलर बैंड, इससे रेजिस्टेंस के मान को कैलकुलेट किया जाता है। और तीसरा होता है मल्टीमीटर को हम रेजिस्टेंस पर सेट करके रेजिस्टेंस को माप सकते हैं। मल्टीमीटर को लीजिए आप, मल्टीमीटर से आसानी से रेजिस्टेंस को माप सकते हैं, उसका कितने ओम का है, कितने किलो ओम का है, कितना रेजिस्टेंस है ये। अब आपको इसे भी पढ़ेंगे, इसको इसके बारे में बताएंगे क्या है। हीटर का सप्लाई वायर गर्म क्यों नहीं होता, इसके बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि प्रतिरोध के लिए ये भी बनाया है। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, तापमान का रेजिस्टेंस को मापने में बहुत प्रभाव पड़ता है। तापमान बढ़ने से बढ़ता है और तापमान घटने से कम होता है, यानी इस पर तापमान का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। रेजिस्टेंस का मान तार की लंबाई, मोटाई और चौड़ाई पर भी निर्भर करता है। यदि आपके घर में तार ज़्यादा मोटा है, ज़्यादा लंबाई दूरी तक जा रहा है, तो उसका तापमान बढ़ेगा,
उसे रेशियो करंट की खपत होगी ये भी है, मोटाई और पतलाई के भी ऊपर होता है रेजिस्टेंस का। तार की मोटाई बढ़ने पर रेजिस्टेंस का मान कम होता है, तार की मोटाई बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस का मान कम होगा, और लंबाई बढ़ने पर रेजिस्टेंस का मान बढ़ता है, अगर लंबाई बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाएगा। किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस उसकी लंबाई के अनुरूप होता है, आप समझ सकते हैं। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हर धातु का रेजिस्टेंस अलग दो होता है, अलग अलग होता है, जैसे चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, प्लास्टिक, रबड़, इनका रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। कुछ जैसे जैसे आर्गन, हीलियम, इनका तापमान बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम होता है। आर्गन, हीलियम, इनका तापमान बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम होता है। रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है आपसे पूछे जाने वाला सवाल। यदि आप इंटरव्यू भी देने जाएंगे तो ये आपसे पूछा जाएगा, रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, रेजिस्टेंस मुख्य दो प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस। फर्स्ट है फिक्स्ड रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस का मान निश्चित होता है, इसमें कोई भी जितने का ये बना हुआ है उतना ही इसमें फिक्स रहेगा, ना रेजिस्टेंस बढ़ेगा ना घटेगा इसमें। और वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसके रेजिस्टेंस का मान कम ज़्यादा किया जा सकता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस आपको वैसे ही समझा दें कौन सा होता है, जैसे कि आपने होम थिएटर या एम्पलीफायर में आपने देखो देखी होगी वॉल्यूम बढ़ाने वाली और कम करने वाली, ठीक है, स्विच, उसी को बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। उसमें आप रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा करते हैं तो वॉल्यूम तेज होती है, कम करते तो स्लो हो जाती है वॉल्यूम, उसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस ही लगा होता है। अब देखिए फिक्स्ड रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस का मान निश्चित होता है, जिस सर्किट में निश्चित मान वाले रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है वहां फिक्स रेजिस्टेंस का उपयोग करते हैं। इसके प्रतिरोध का मान निश्चित इसलिए होता है क्योंकि फिक्स रेजिस्टेंस बनाते समय इसका मान निर्धारित कर दिया जाता है। इसमें दो पिन होती हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होते हैं जिनका मान बढ़ाया घटाया जा सकता है, जिसमें रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंसों को जरूरत के अनुसार कम व ज़्यादा किया जा सकता है। इनकी नोब को घुमा करके इसके मान को सेट किया जाता है, उसी से इसका मान फिक्स्ड करते हैं। इसका उपयोग टेलीविजन में किया जाता है या दो पिन टर्मिनल और तीन पिन के होते हैं, इनमें दो पिन भी होती हैं और तीन पिन भी होती हैं, आपको मैंने बताया है। अब इसमें ये देखिए आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रतिरोध का समायोजन दो प्रकार से किया जाता है, जिसमें से पहला सीरीज और दूसरा पैरेलल में होता है। सीरीज और पैरेलल भी आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा, जिसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा सही से। नॉर्मल बता दें सीरीज और पैरेलल क्या होता है। सीरीज में ये होता है कि जैसे आपने बैटरी में तीन चार बैटरी, जैसे आपको बताऊं प्लस माइनस ऐसे लगा के सीरीज में लगाते चले गए, एक जैसे जंजीर बनाते हैं वैसे बनाते हुए। और पैरेलल में ये होता है कि एक फेस और न्यूट्रल, फिर एक बार फेस और न्यूट्रल, ये दोनों प्लस में हो जाएंगे तो ये पैरेलल हो गया, ठीक है। वैसे आपको अलग से समझाऊंगा ना तो समझ जाओगे बढ़िया तरीके से। श्रेणी क्रम संयोजन ये क्या होता है, ये आपको समझाते हैं। प्रतिरोध को इस तरह से संयोजित किया जाए कि उनमें धारा का मार्ग केवल एक ही रहे, ऐसा संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। प्रतिरोध R1 यानी रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 को श्रेणीबद्ध दिखाया गया है और इसमें वोल्टेज वोल्टेज ये बी है, बी का एक प्रति ये चिन्ह है,
वोल्टेज को दर्शाता है बी, पर धारा आई आई को दर्शा करंट दर्शाता है। चिन्ह ये प्रभावित हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस, ये आपको तीनों को निकाल दिया है। सभी प्रतिरोध को मिलने वाली वोल्टेज बी वन बी टू बी थ्री, सभी को मिलने वाली वोल्टेज एक समान होगी। ओके, ये देख सकते हैं बी इक्वल बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री, बी इक्वल आई आर। समांतर क्रम संयोजन, जब दो या दो से, अब समांतर क्रम संयोजन क्या है ये भी आप लोग समझ जाइए। जब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को एक प्रकार से जोड़ा जाए, दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को एक साथ जोड़ा जाए कि उनका एक सिरा एक के साथ तथा दूसरा सिरा समांतर में एक साथ जुड़ा हो, तो इस प्रकार का संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। तीन रेजिस्टेंस आर वन आर टू तथा आर थ्री समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इनको मिलने वाली वोल्टेज है आई धारा यानी करंट धारा। करंट को कैसे दिया गया है ये भी देखिए आप, आई वन यानी करंट वन, करंट टू, करंट थ्री, रेजिस्टेंस आर वन आर टू आर थ्री में क्रम करंट का मान है। ओम के नियमानुसार देखिए आई इक्वल वी बटे आर। अब प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव क्या पड़ता है, सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके लिए, प्रतिरोध पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। शुद्ध धातु जैसे तांबा, चांदी, सोना आदि का रेजिस्टेंस तापमान बढ़ने पर बढ़ता है, इसीलिए इनका रेजिस्टेंस तापक्रम गुणांक धनात्मक प्लस होता है, तभी इनका प्लस होता है, धनात्मक प्लस होता है। मिश्र धातुओं का तापक्रम बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बहुत कम बढ़ता है, जैसे मैंगनीन, जर्मन, सिल्वर आदि। अर्धचालकों का रेजिस्टेंस तापमान के बढ़ने के साथ घटता है और तापमान कम होने के साथ बढ़ता है। ऐसे पदार्थों का प्रतिरोध तापक्रम गुणांक ऋणात्मक होता है यानी कि माइनस। प्रति ओम प्रति सेल्सियस प्रतिरोध में परिवर्तन को प्रतिरोध तापमान तापक्रम गुणांक कहते हैं। ये परिवर्तन के अनुसार धनात्मक प्लस तथा ऋणात्मक माइनस प्रकार होता है। बस आज के लिए बस इतना ही, आगे का टॉपिक आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। बस आज के लिए इतना ही, जो कि हम आगे आपको और भी इसके बारे में सब कुछ समझाएंगे ध्यानपूर्वक से। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी बिल्कुल भी स्किप मत करना आप लोग वीडियो को, वीडियो बहुत ही खास होने वाली है आपके लिए। मैं चाहता हूँ कि रेजिस्टेंस की आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए, एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए। जैसे कि आपके लिए ये मैं बता रहा हूँ इसी वीडियो में, दूसरा वीडियो अलग से नहीं बना रहा हूँ। बेशक बड़ा वीडियो है, एक बार देखिए, सही से आप नोट करिए और आपके माइंड में सेव हो जाएगा। कलर कोड देखकर रेजिस्टेंस को कैसे मापा जाता है, आपने रेजिस्टेंस देखे होंगे, उनके ऊपर कलर की पट्टियाँ होती हैं, उन्हीं से ही उसकी वैल्यू पता चलती है, कितने ओम का है, कितने किलो ओम का है, ये पता कर सकते हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक से देखते रहिए वीडियो। किसी रेजिस्टेंस का मान दर्शाने के लिए उसके ऊपर रंगों की तीन पट्टियाँ धारियाँ बना दी जाती हैं। इन रंगों के अलावा एक और पट्टी भी बनाई जाती है, जैसे टॉलरेंस की रंग कहते हैं, टॉलरेंस की रिंग कहते हैं। ये रिंग सुनहरी या सिल्वर रंग की होती है, सुनहरी रिंग का अर्थ है। समय के साथ या गर्मी से रेजिस्टेंस का मान 5% कम या बढ़ सकता है, प्लस या माइनस में जा सकता है। सिल्वर रंग की पट्टी वाली रेजिस्टेंसों का 10%, जिसमें सिल्वर कलर की पट्टी होगी उसमें 10%, जिन पर ऐसी कोई पट्टी ना होकर सिर्फ खाली स्थान हो
उनका मान 20% कम या बढ़ सकता है। जिस रेजिस्टेंस पर अगर 3 पट्टियां हैं प्लस उसमें टॉलरेंस की कोई भी पट्टी नहीं है तो उसमें या चौथी कोई पट्टी नहीं है तो उसमें आपको 20% कम या ज़्यादा इसका हो सकता है। इस प्रकार 5% वाले सबसे बढ़िया व 20% वाले सबसे घटिया रेजिस्टेंस होते हैं। ये भी बेहद आपके लिए टॉपिक था। अब देखिए सबसे बेस्ट आपके लिए स्लोगन। स्लोगन से आप रेजिस्टेंस के कलर कोड से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। देखिए आप लोग ध्यानपूर्वक, फर्स्ट कलर ए बी सी डी आपको 4 दिखाए गए हैं। फर्स्ट कलर, सेकंड कलर, वी सेकंड कलर, सी थर्ड कलर और डी टूल रेंज रिंग आपको जो बताया है। अब देखिए सारे कलर की आपको बताएं कलर कोडों को कैसे इसको एक फार्मूले में सिखाया जाए, कैसे आपको फार्मूलों में इसको याद करवाया जाए। इसमें देखिए बी बी रॉय जी बी बी जी डब्लू, देखिए इसको मतलब कैसा है, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, इन सभी का पहला लेटर बी वी रोए जी बी वी जी डब्लू। ये लेटर रंगों को बताते हैं, ब्लैक यानी काला, ब्राउन यानी भूरा, रेड यानी लाल और ऑरेंज यानी संतरा, येलो यानी पीला, ग्रीन यानी हरा, ब्लू यानी नीला, वायलेट यानी जामुनी, ग्रे यानी स्लाइटी और वाइट, वाइट यानी सफ़ेद। ये सभी कलर कोड हैं। इतने कलर कोड के रेजिस्टेंस बनाए जाते हैं। देखिए आप लोग कैपिटल लेटर में आपके लिए दिखाया गया है। कलर आपको इसमें मिलेगा, एक टेबल बनाई गई है। कोड नंबर इसका आप लोग नोट में ज़रूर टेबल बना लें क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बेहद ज़रूरी है। मल्टीपल कितने परसेंट किया जाएगा, टूल रेंज रिंग कलर टूल रेंज कितना होता है और टूल रेंज, ये देखिए आप लोग बी यानी कि ब्लैक, कोड नंबर है 0, मल्टीपल है 10/0, गोल्ड और टूल रेंज में प्लस माइनस 5% होगा। बी से यानी ब्राउन, इसका नंबर है 1 और ये आपको बताएं है मल्टीपल 10 और सिल्वर 10% है, टूल रेंज 10 प्लस माइनस है। रेड कलर कोड 2 और ये आप देख रहे हैं नो कलर, इसे 20%, इसमें कोई रिंग नहीं है तो इसमें 20%। ऑरेंज कलर कोड 3 है और येलो कलर कोड 4 है, ग्रीन कलर कोड 5 है, ब्लू कलर कोड 6 है, वायलेट कलर कोड 7 है, ग्रे कलर कोड 8 है, वाइट कलर कोड 9 है, गोल्ड इसका आपको गोल्ड का मिलेगा 0.1 और सिल्वर का 0.01। अब आप इसमें देख सकते हैं ध्यानपूर्वक, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट और थर्ड डिजिट को मल्टीप्लाई करना है और फोर्थ डिजिट को आपको टूल रेंज ना मापना है। जैसे आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस वैल्यू, ये देखिए प्रतिरोध का मान कैसे मालूम किया जाता है, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिए गए रेजिस्टेंस को इस प्रकार पकड़ो कि उसकी टूल रेंज पट्टी राइट हैंड पर हो। आप लोग ऐसे पकड़िए कि राइट हैंड की तरफ टूल रेंज की यानी कि गोल्ड या सिल्वर की पट्टी होनी चाहिए। पहले दूसरे बाद तीसरे रंगों को नोट कर लें, आपको मैंने नोट भी बताया वैसे ही नोट कर लें। इन रंगों के मान को नीचे लिखें, सूत्र में प्रयोग करें तो आप
आपको रेजिस्टेंस का मान पता चल जाएगा। पहला रंग मल्टीप्लाई 10 से कर देना, दूसरा रंग मल्टीप्लाई 10 से कर देना, तीसरा रंग। मान लो एक रेजिस्टेंस का पहला रंग पीला है, दूसरा जामुनी और तीसरा रंग संतरी है, तो रेजिस्टेंस का मान क्या होगा? पहला रंग पीला मान लिया 4 है, दूसरा रंग जामुनी मान है उसका 7, कलर कोड 7 है, तीसरा रंग संतरी कलर कोड 3 है, रेजिस्टेंस का मान 4×10+7 4×10³। अब आप देख सकते हैं इधर इक्वल 40 आ गया। ये देखिए आप लोग कैलकुलेट कर दिया, यानी कि ये 47K का हुआ है। बस आज के लिए वीडियो इतना ही। एक नया तरीके से रेजिस्टेंस का मान निकालने के लिए पहले पीला का मान 4 लिखो, फिर जामुनी का मान 7 लिखो, और फिर तीसरा रंग संतरी जिसका मान है 3 है, तो इसके आगे 0 3 0 है। ये आप निकाल के दिखाइए और कमेंट में शेयर करिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।